तो यार ये है स्प्लेंडर प्लस i3s जो कि 2 साल पुरानी है। ये लीटर में मात्र 36 किलोमीटर चल रही है, 1 लीटर पेट्रोल में मात्र 36 किलोमीटर चल रही है। तो यार इसका माइलेज ठीक करने का क्या क्या प्रोसेस है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको कंप्रेसर चेक कर लेनी है, अगर आप मैकेनिक हो तो आप किक मार के भी अंदाज़ा लगा सकते हो इसका कंप्रेसर कम है या नहीं है। इसका तो ठीक है क्योंकि इसका किक बिल्कुल टाइट है, और किक टाइट होने का मतलब है कि आपकी जो बाइक है उसका जो कंप्रेसर वॉल है जो माइलेज देती है वो आपका बिल्कुल सही है। और दूसरी चीज़ चेक करनी है आपको एयर फिल्टर, उसके बाद बताते हैं हम आपको कि माइलेज कैसे सेट की जाती है। और ये चीज़ हमेशा देखनी है आपको कि आपका जो एयर फिल्टर है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। लेकिन ये देखो दोस्त, ये जो है एयर फिल्टर ख़राब हो चुकी है, इसका जो ऊपर का जो लेयर है वो मोटा हो गया है, तभी ये गाड़ी माइलेज कम दे रही है। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं पहले। ये रहा एयर फिल्टर और ये हम कर दिए सेट। अब इसको फटाफट कस लेते हैं और फिर चलते हैं कार्बोरेटर के पास जो कि हमारा सबसे मेन काम है। ये रहा कार्बोरेटर, तो ये वाला आपको स्क्रू जो है एयर स्क्रू पूरी कस लेनी है, पूरी घुमा के कस देनी है हिसाब से। और उसके बाद ये रहा टाइट हो गया, ये टाइट हो गया। अब इस वाले चूड़ी को, इस वाले स्क्रू को 3 बार घुमानी है दोस्त, 1 2 और ये रहा 3। अब हम धीरे धीरे इस वाले स्क्रू को खोलेंगे, और जैसे जैसे इस स्क्रू को आप खोलोगे वैसे वैसे बाइक का जो रेस है वो काफ़ी बढ़ते चला जाएगा। और जब आपको लगे कि रेस थोड़ी सी कम हुई है वहीं पे आपको स्क्रू घुमाना छोड़ देना है। जी हाँ, वहीं पे आपको स्क्रू घुमाना छोड़ देना है। तो चलिए हम आपको तेल सप्लाई मिलाकर दिखाते हैं, बस आप बाइक की रेस पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो बाइक को कर लेते हैं स्टार्ट। ये मैंने एयर वाला स्क्रू मिला दिया है, अब आपको आरपीएम धीरे धीरे मिलाना है। मैंने आरपीएम मिला दिया है, अब आप पिस्टन का साउंड सुनो। अब आपको मैं माइलेज चेक करके दिखाता हूँ कि माइलेज कितनी दे रही है। वैसे गाड़ी उसके बाद 10 किलोमीटर चल गई है, 5-10 किलोमीटर चलेगी तब भी आपकी गाड़ी माइलेज बताएगी कि आपकी माइलेज कितने दे रही है। तो सबसे पहले हमको प्लग खोल लेना है, प्लग से ही पता चलेगा कि माइलेज कितनी दे रही है। तो झटपट खोल लेते हैं प्लग को। ये देखो आप प्लग में जो वाइट वाला जो दिख रहा है, जो बीच का मटेरियल वो गोल वाला है वो आपको दिख रहा है, पूरा का पूरा वाइट हो गया है। ये है हमारा माइलेज देने का चिन्ह सी, जो प्लग पूरा जो अंदर का जो मटेरियल होता है वो वाइट हो जाता है। ये बाइक हमारी माइलेज परफेक्ट दे रही है। तो उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो वीडियो को कर देते हैं लाइक और चैनल को करते हैं सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।